गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस की खबरों के इस खास बुलेटिन में, जो हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी सभी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। 1 अप्रैल से नेचुरल गैस के बढ़ने वाले हैं दाम। गेल का नया इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ होगा 58.16 रुपए प्रति यूनिट। नया टैरिफ मौजूदा टैरिफ से होगा 45% ज्यादा। नवंबर 2022 में PNGRB ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ। देश के दूर दराज इलाकों में प्रतिस्पर्धी और किफायती दाम पर नेचुरल गैस पहुंचाने में मिलेगी मदद। बेमौसम बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान, इस वजह से बढ़ सकती है सब्जियों की महंगाई। कई राज्यों में सब्जियों को हुए नुकसान से पड़ सकता है सप्लाई पर असर, इस वजह से दाम बढ़ने के हैं पूरे आसार। मौसम विभाग ने 23 मार्च को भी कुछ राज्यों में बारिश होने का जताया है अनुमान। आधार का दुरुपयोग रोकेगा UIDAI। शुरू की GPS फेंसिंग के जरिए आधार केंद्रों की निगरानी। आधार सिस्टम का दुरुपयोग रोकने के लिए नामांकन मशीनों में लगाया गया है GPS फेंसिंग सिस्टम। इसे डेटा सेंटर की होगी नियमित रूप से निगरानी। फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर शुरू किया पुराने AC के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम। कंपनी सीमित अवधि के लिए देगी पूरे देश में फ्री AC अनइंस्टॉलेशन सर्विस। गर्मी में AC की बिक्री बढ़ाने में मिलेगी फ्लिपकार्ट को मदद। उपभोक्ता को भी पुराने AC के बदले नया अपग्रेडेड AC खरीदने का मिलेगा मौका। 6ठी से 11वीं कक्षा तक की बेटियों को मुफ्त साइकिल देगी सरकार। यूनिफॉर्म की राशि भी बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने की 6ठी से 9वीं कक्षा तक की बेटियों को साइकिल देने की घोषणा। स्कूल जाने में नहीं होगी अब उन्हें किसी तरह की परेशानी। यूनिफॉर्म के लिए भी मिलेंगे अब ज्यादा पैसे। सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक कराने की समय सीमा आगे बढ़ाई। इससे पहले इस काम के लिए अंतिम तारीख थी 31 मार्च 2023, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2024। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाना है स्वैच्छिक, ना कि अनिवार्य। बैंकों की शाखाएं 31 मार्च तक खुली रहेंगी। एनुअल क्लोजिंग के चलते RBI ने जारी किया आदेश। सभी एजेंसी बैंकों को अपने इंटीग्रेटेड ब्रांचेस को सरकार से जुड़े ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन के लिए 31 मार्च को नॉर्मल वर्किंग आवर तक रखना होगा खुला। इस साल वेतन में हो सकती है औसतन 10.2% की बढ़ोतरी। ई कॉमर्स, प्रोफेशनल सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ेगी सबसे ज्यादा सैलरी। साल 2022 में 10.4% बढ़ी थी औसत सैलरी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन कम बढ़ने की है आशंका। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी सुस्ती। वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल की गई वृद्धि की रफ्तार आगे भी रहेगी कायम। तमाम समस्याओं के बावजूद रिजर्व बैंक भारत को लेकर बना हुआ है आशावादी। भारत का स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में बढ़कर हो सकता है 170.9 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 159.7 लाख करोड़ रुपए रहने का है अनुमान। मोहल्ला स्तर पर सरकार उपलब्ध कराएगी परिवहन सुविधा। दिल्ली में शुरू होगी मोहल्ला बस योजना। मोहल्ला स्तर पर चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। साल 2025 तक 10,480 बसों का बेड़ा किया जाएगा तैयार। दिल्ली सरकार की 1400 बस क्यू शेल्टर बनाने की है योजना। डिजिटल स्क्रीन से लैस शेल्टर बसों के आने जाने के बताए जाएंगे समय। 5G के बाद 6G की दिशा में आगे बढ़ा भारत। PM मोदी ने किया भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल है स्मूथ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टेड और टेस्टेड। PM मोदी ने नई दिल्ली में किया ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन। सरकार 6G लॉन्च करने की तैयारी में जुटी। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में भारत से केवल मुकेश अंबानी का नाम। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 10 अमीरों में मुकेश अंबानी को रखा गया है 9वें स्थान पर। अंबानी की संपत्ति है 8,200 करोड़ डॉलर। अदानी की संपत्ति में आई 35% की गिरावट, फिर भी भारत में है दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। भारत में है 187 अरबपति। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत का चीन और अमेरिका के बाद है तीसरा नंबर। अब आप नहीं खरीद पाएंगे डीजल से चलने वाली सेडान कार। हुंडई ने भारत में डीजल इंजन वाली कारों को बंद करने की बनाई योजना। भारत चरण 6 उत्सर्जन नियमों के लागू होने से डीजल वाहनों की बढ़ेगी लागत। उपभोक्ता भी पेट्रोल इंजन को दे रहे हैं ज्यादा प्राथमिकता, इसलिए कंपनी बना रही है डीजल से दूर रहने की योजना। महिंद्रा की नई इकाई में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी IFC। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में आएगी इससे तेजी। भारत के निर्धारित जलवायु लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना है जरूरी। EV इकोसिस्टम में स्थिरता और समृद्धि को मिलेगा बढ़ावा। भारत में स्मार्टफोन का एवरेजिंग सेल प्राइस 2022 में बढ़कर हुआ 18,500 रुपए, जो है अब तक का रिकॉर्ड भाव। एवरेज सेल प्राइस 2021 के मुकाबले 18% बढ़ा। इस वृद्धि की मुख्य वजह एप्पल और सैमसंग के महंगे फोन की बिक्री बढ़ना है। रुपए के मुकाबले डॉलर में आई तेजी से भी पड़ा कीमत पर असर।
और भारत में स्मार्टफोन का एवरेज सेलिंग प्राइस 2022 में बढ़कर हुआ 18,500 रुपये, जो है अब तक का रिकॉर्ड भाव। एवरेज सेलिंग प्राइस 2021 के मुकाबले 18% बढ़ा। इस वृद्धि की मुख्य वजह एप्पल और सैमसंग के महंगे फोन की बिक्री बढ़ना है। रुपए के मुकाबले डॉलर में आई तेजी से भी पड़ा कीमत पर असर। और आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।